असल वेलकम टू माई चैनल राइसिंग किट आज हम लोग ये प्यारा सा यूनिकॉर्न जो है इसका मोटिव रेडी करेंगे और ये बहुत अच्छा एप्लीक लगता है कपड़ों के ऊपर लगा हुआ बच्चों के खिलौनों पर और उनके ब्लैंकेट्स पर उनके किसी भी बच्चों की प्रोडक्ट के ऊपर लगा हुआ ये बहुत 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 अच्छा लगेगा और इसको बनाना बहुत आसान है और हम लोग मिलकर ये बनाएंगे और आप लोग अगर इस तरह के और भी मज़ीद एप्लिक जो हैं वो सीखना चाहते हैं तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा ताकि हम लोग उस पर भी वीडियो बना सकें जी हम यूनिकॉर्न के पाँव से स्टार्ट करेंगे और उसके लिए हम लोग स्लिप नॉट लगा लेंगे स्लिप नॉट लगाने के बाद हमने यहाँ पर चेन सेवन करनी है वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन और फर्स्ट चेन छोड़कर सेकंड चेन में हमने सिंगल क्रोशे करना है टू रोज़ हमने पिंक कलर से करनी है जो कि इसके पाओ को इसकी टांगों से सेपरेट करेगा कलर यहाँ पर हमारे पास सिक्स सिंगल क्रोशे रेडी हो जाएंगे ये सिक्स सिंगल क्रोशे की हम एक रो और करेंगे चेन वन करके टर्न कर लेंगे और यहां पर सिक्स सिंगल क्रोशे करेंगे सिक्स सिंगल क्रोशेज करने के बाद हम लोग ये वाली यार्न कट कर देंगे और वाइट कलर अटैच करेंगे सेकेंड कलर अटैच कर लिया है हमने वाइट और अब हम लोग वाइट सिंगल क्रोशे की फाइव रोज कर लेंगे सिक्स सिंगल क्रोशे ही होंगे जब हम काउंट करेंगे और हम लोग इसकी पूरी फाइव रोज कर लेंगे फाइव रोज हमने कर लिए हैं अब सिक्स रो में हम इंक्रीज करेंगे फर्स्ट स्टिच जो है हमारा वो इंक्रीज से होगा उसमें हम लोग टू सिंगल क्रोशे करेंगे और सिंगल क्रोशे मिड के फोर स्टिचेस जो हैं वो हमारे सेम सिंगल क्रोशे से होंगे लास्ट स्टिच में भी हम लोग इंक्रीज करेंगे और चेन बन करके टर्न कर लेंगे अब हमें एक और लेग जो है वो ऐसे कंप्लीट करनी है फोटो लेग के साथ और वो हमारे सामने है इस तरह हम लोग ये टू तैयार कर लेंगे और तैयार करने के बाद जो इसकी लास्ट रो है वो भी इंक्रीज़ की करने के बाद हम यान को कट कर देंगे सेकेंड लेग रेडी करने के बाद लास्ट रो जो है वो इंक्रीज की करके चेन वन करके टर्न करेंगे अभी इंक्रीज नहीं होगा सिंपल एट स्टिचेस में मैं सिंगल क्रोशे वर्क करते हुए आगे जाऊंगी और यहाँ पर ये टाइम है दूसरी लेग को अटैच करने का तो यहाँ पर मैं वन टू सिंगल क्रोशे करूँगी और उसके बाद नेक्स्ट उसमें वर्क कर लेंगे हम लोग ऐसे हम इसको अटैच कर लेंगे और आगे नेक्स्ट लैग में वर्क करते हुए जाएंगे दोनों लेग्स हमने अटैच कर ली हैं अब एक रो जो है वो चेन वन करके सिंपल सिंगल क्रोशे की कंप्लीट करेंगे मिट के जो दो चेन्स हैं उनमें भी हम लोग सिंगल क्रोशे वर्क कर लेंगे चेन वन करके टर्न करेंगे और यहाँ पर हमारी इस साइड पर इंक्रीज की और इस साइड पर इंक्रीज की एक रो आएगी स्टार्टिंग चेन जो है वहाँ पे हम लोग टू सिंगल क्रोशे करेंगे और आगे सेकंड लास्ट स्टिच तक हम लोग सिंगल क्रोशे कर लेंगे लास्ट सिंगल क्रोशे में भी हम टू सिंगल क्रोशे करेंगे और ये लास्ट टाइम है कि हम लोग इंक्रीज कर रहे हैं इसकी बैक साइड पे जो हमारी टेल वाली साइड आएगी अब हम इस पर इंक्रीज नहीं करेंगे सेम स्टिचेस चलेंगे जबकि फ्रंट की साइड पर हमें अभी इंक्रीज़ की रोज़ करनी है और फिर हमें डिक्रीज की करनी है आपको ये सिलेक्ट कर लेना है कि आपने कौन सी आपकी बैक साइड पर रखना है और कौन सा फ्रंट है फ्रंट पर हमने इंक्रीज की रोज़ करनी है जबकि बैक साइड पे अब हमने मज़ीद इंक्रीज की रोज़ नहीं करनी नेक्स्ट रो में सिंगल क्रोशे करते हुए मैं जाऊँगी और सेकंड लास्ट जो है हमारा आगे वाले हिस्से का वहाँ पर वहां तक सिंगल क्रोशे कर लूंगी लास्ट में हमने इंक्रीज करना है स्टिच आ गया फ्रंट का और यहाँ पर हम इंक्रीज करेंगे चेन वन करके टर्न करेंगे और सिंपल सिंगल क्रोशे से ये वाली रो हो जाएगी एंड तक ये रो कंप्लीट कर लेंगे चेन वन करके टर्न कर लिया है और अब हमने अटैच करने के बाद वन टू थ्री फोर फोर रोज हो चुकी हैं अब हमने जो टेल वाली साइड है वहाँ से इसको डिक्रीज करना है तो हम लोग टू स्टिचेस जो है उनको टुगेदर कर देंगे सिंगल क्रोशे में और वर्क करते हुए आगे जाएंगे यहाँ पर हमारा फ्रंट का जो है वो स्टिच uh, जो है उसको अब हमने डिक्रीज में लाना है uh, एक रो जो है वो अभी हम लोग सेम करेंगे सिंगल क्रोशे एंड तक करेंगे और जब हम लोग टर्न करेंगे तो फिर हम डिक्रीज करेंगे फ्रंट पर भी यहां तक मैंने सिंपल सिंगल क्रोशे से वर्क कर लिया है अब चेन वन करके टर्न करूँगी तो मैं फ्रंट से एक स्टिच जो तो है वो डिक्रीज कर दूंगी और सिंगल करोशे वर्क करते हुए एंड तक जाएंगे लास्ट में जब हम टेल एरिया पर आएंगे तो हम टू स्टिचेस टूगेदर करेंगे और हमारे पास ये मज़ीद डिक्रीज हो जाएगा यहाँ से अब हम लोग जब स्टार्ट लेंगे फिर से हम टू स्टिचेस टूगेदर करेंगे और सिंगल क्रोशे करते हुए आगे जाएंगे ये वाली रो जो है ये हमारी बैग की लास्ट रो है अब हमने बॉडी के इस पार्ट तक नहीं आना अब हम लोग सिंगल क्रोशे करते हुए फ्रंट तक जाएंगे और फ्रंट पर जो हमारा नेक एरिया है वो स्टार्ट होगा इस यूनिकॉर्न का नेक स्टार्ट करते हुए हम लोग फिर से डिक्रीज की रो करेंगे लास्ट टू स्टिचेस को हम लोग फिर टुगेदर कर लेंगे और चेन वन करके टर्न कर लेंगे यहाँ पर फिर से स्टार्ट हमारा टू स्टिचेस टूगेदर से होगा और अब हम लोग सिंगल क्रोशे इतने करेंगे जितना हमने इस नेक लाइन को रखना होगा टू स्टिचेस टुगेदर हमने कर लिए वो हमारे पास वन स्टिच है ये टू थ्री फोर फाइव और नेक्स्ट टू स्टिचिज़ में से हम लोग जो है वो टुगेदर स्टिच करके तो ऊपर उठाएंगे चेन वन करके टर्न करेंगे टू स्टिचेज़ टुगेदर करने से यहाँ पर हम लोगों के ज़्यादा लाइन स्ट्रेट नहीं आती थोड़ा सा जो है वो एज आ जाता है गुलाई में चेन वन करके टर्न करेंगे और अब हम लोग रोज़ करेंगे two, three, four, five, six, 2, 3, chain 1, turn, One, two, three, four, five, six. अब हमने ये रोज़ इतनी लंबी करनी है जितना हमने सोनिकॉर्न के नेक एरिए को रखना है अगर आप ये गर्दन का नेक एरिया जो है इसको ज़्यादा लंबा रखना चाहते हैं तो आप ज़्यादा रोज़ करेंगे और अगर आप नॉर्मल रखना चाहते हैं तो आप कम रोज़ करेंगे यहाँ पर हमने रोज़ की है वन टू तो, थ्री फोर फाइव और थ्री ऑलरेडी हम लोग कर चुके हैं तो मैं इसकी यूनिकॉर्न की थोड़ी सी नेक एरिया को बढ़ाऊंगी मैं यहाँ पर फाइव इसमें की हैं रोज़ यहाँ पर सिक्स रोज़ कर लूँगी तो आप लोग फाइव टू सिक्स रोज़ जो है वो कर सकते हैं ये कंप्लीट कर लेंगे यूनिकॉर्न की बॉडी हमारे पास रेडी हो गई है अब हम लोग यहाँ पर फेस पर और उसके माउथ पर वर्क करेंगे जो फेस का एरिया है वो मैंने हाफ में वर्क किया है और ये सर्कल में नहीं हाफ़ रेक्टेंगल में वर्क होगा और रेक्टेंगल को हम हाफ़ करें तो वो इसके फ़ेस का एरिया बनता है तो यहाँ पर इसमें अब हम लोग स्टार्ट करेंगे वर्क और इसी तरह हमने छोटा सा एक रेक्टेंगल जो है राउंड में यहाँ पर इसके माउथ के लिए रेडी करना है तो पहले हम लोग इसके फ़ेस को रेडी कर लेते हैं लिप नोट लगा हम लोग चेन स्टार्ट करेंगे वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एक चेन छोड़ के सेकेंड चेन से हम लोग सिंगल क्रोशे करेंगे वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स जो लास्ट चेन है सिक्स इसमें हम लोग थ्री सिंगल क्रोशे करेंगे वन टू थ्री और हम लोग बैकवर्ड टू चेन वर्क करते हुए जाएंगे वन टू थ्री फोर और ये लास्ट फाइव यहाँ पर अब हम लोग इसको यहाँ पे ज्वाइन नहीं करेंगे चेन वन करके मैं टर्न कर लूँगी और फिर से वर्क करूँगी सिंगल क्रोशे वन टू तो, थ्री फोर फाइव तो ये जो हमारे कॉर्नर के थे इनमें हम लोग डबल कर लेंगे यहाँ पर हमारा ये एज जो है इंक्रीज हो जाएगा इन थ्री स्टिचेस को हम लोग टू टू करेंगे सिंगल क्रोशे यहाँ पे भी टू सिंगल क्रोशे बाकी हम लोग सिंगल क्रोशे वर्क करेंगे

अब राउंड में हम इस तरह वर्क करेंगे अब हम तमाम स्टिचेस में एक बार इंक्रीज कर लेंगे चेन वन करके टर्न करूंगी यहां पर सिंगल क्रोशे होगा नेक्स्ट स्टिच में टू सिंगल क्रोशे फिर सिंगल क्रोशे और फिर टू सिंगल क्रोशे इस तरह हम लोग अल्टरनेट करके वर्क करेंगे वन टू से फुल रो हम लोग कंप्लीट कर लेंगे वन सिंगल क्रोशे टू सिंगल क्रोशे से चेन वन करके टर्न करेंगे और यहाँ पर इंक्रीज का हमारा होगा वन सिंगल क्रोशे फिर वन सिंगल क्रोशे और फिर टू सिंगल क्रोशे तो ये रो हमारी टू सिंगल क्रोशे और टू इंक्रीज के सिंगल क्रोशे से होगी सिंगल क्रोशे सिंगल क्रोशे टू सिंगल क्रोशे टू वन वन से ये रो रिपीट कर लेंगे हम लोग अब हम लोग इसके हॉर्न्स बनाएंगे सॉरी ईयर्स बनाएंगे और उनको सेपरेट करेंगे यहाँ से ट्वेल्व स्टिचेस में मैं सिंगल क्रोशे वर्क करूंगी टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवेन एट नाइन टेन इलेवेन ट्वेल्व और यहाँ पर मैं इसी स्टिच में वन टू थ्री और सेम इसी स्टिच में हाफ डबल एक सेकंड इस स्टिच को कंप्लीट करने के बाद सिंगल क्रोशे को यहाँ पर चेन टू करूँगी और यहाँ पर इसी स्टिच में हाफ़ डबल और फिर चेन टू करके तो इसी स्टिच में स्लिप स्टिच कर दूंगी ईयर के लिए और फिर हम लोग आगे वर्क करेंगे सिंगल क्रोशे वन टू थ्री फोर ऐसे ही इस साइड से ट्वेल्व स्टिचेस काउंट कर लेंगे वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन एलेवन ट्वेल्व तो हमारा जो सेकंड ईयर है वो यहाँ पर आएगा इस साइड पर ये वाला स्टिच है हमारा और यहाँ पर चेन टू करेंगे हम लोग हाफ डबल करेंगे सेम एक ही स्टिच में और फिर चेन टू करके इसी स्टिच में मैं स्लिप स्टिच करूँगी ईयर के लिए और अगले स्टिचेस में सिंगल क्रोशे वर्क करते हुए कंप्लीट कर लूँगी अब आपने यहाँ पर जब कट करनी है यार तो टेल जो है वो थोड़ी लंबी छोड़नी है क्योंकि उसी से हम लोग नेक की बैक साइड पे इसको स्टिच करेंगे ताकि हम लोगों का ये जो है फ़ेस वो अच्छे से अटैच हो जाए नेक लाइन के साथ तो मैं इस साइड पर भी सिंगल क्रोशे वर्क करते हुए जाऊंगी एक दफ़ा ये स्टिच जो सिंगल क्रोशे का अब हम लोग लाइन कर रहे हैं ये बिल्कुल छुप जाएगी उसके फ़ेस के नीचे तो इतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है कि आप इसको मस्ट करें या ना करें लेकिन ये आपके फ़ेस को अटैच करने में बहुत सही रहेगा अटैच करना बहुत इजी हो जाएगा आपको स्टिचेस को यान जो कट करेंगे हम लोग ले, टेल थोड़ी लंबी छोड़ कट करेंगे क्योंकि हमने इसको नेक एरिया के साथ अटैच करना है। और हमने इसको थोड़ा सा टेढ़ा करके अटैच करना है ऐसे ठीक है इस तरह फेस को आप अगर ऐसे फ़ेस रखना चाह रहे हैं तो आप ऐसे अटैच कर सकते हैं बिल्कुल स्ट्रेट रखना है तो आप स्ट्रेट इस गर्तन के ऊपर अटैच करेंगे इसको हम सी लेंगे जी फेस जो है वो हमारी बॉडी के साथ अटैच हो गया है और ये इसकी बैक साइड है बैक साइड से आप सारे थ्रेड्स को सिक्योर करके कट कर दें अच्छे से नीटली और फिर जो ग्लू है चिपकाने वाली उसके साथ इनको सही तरह से सिक्योर कर लें अब हम लोग इसके माउथ पर वर्क करेंगे और उसके लिए हमें कलर चेंज करना पड़ेगा जो मेन कलर आप रखना चाह रहे हैं इसके उसका वो आप यूज़ कर सकते हैं यहाँ पर मैंने पिंक कलर यूज़ किया है तो पिंक कलर से हम लोग स्टार्ट लेंगे स्लिप नोट लगाने के बाद हम यहाँ पर चेंज करेंगे फाइव वन टू थ्री फोर फाइव Six. Six करने के बाद सेकेंड चेन में हम लोग टू सिंगल क्रोशे वर्क करेंगे मिड की टू चेन्स टू से थ्री चेन थ्री चेन्स में मिड की हम लोग सिंगल क्रोशे वर्क करेंगे लास्ट चेन में हम थ्री सिंगल क्रोशे वर्क करेंगे और सेकंड साइड पे आ जाएंगे अपने वर्क की मिड के थ्री स्टिचेस आके यहाँ पर हम लोग सिंपल थ्री सिंगल क्रोशे करेंगे और लास्ट में वन इंक्रीज हमारा रहता है वो करने के बाद फर्स्ट सिंगल क्रोशे की ऊपर चेन में हम लोग स्लिप स्टिच कर देंगे चेन वन करके हम लोग इंक्रीज करेंगे स्टिच में टू स्टिचेस करेंगे टू सिंगल क्रोशे से स्टार्ट लेंगे नेक्स्ट स्टिच भी हमारा इंक्रीज का है टू सिंगल क्रोशे से होगा और आगे मिड के थ्री स्टिचेस जो हैं वो हमारे सिंपल सिंगल क्रोशे के होंगे कॉर्नर के थ्री स्टिचेस आके इनको इंक्रीज करेंगे और फिर हम लोग सिंगल क्रोशे वर्क करेंगे लास्ट स्टिच हमारा इंक्रीज का होगा और स्लिप स्टिच करके ज्वाइन कर देंगे सिंगल क्रोशे का हमने लास्ट स्टिच जो है टू सिंगल क्रोशे का करके स्लिप स्टिच कर दिया है अब हम लोग रो थर्ड स्टार्ट करेंगे चेन वन करके सेम इसी स्टिच में हम लोग टू सिंगल क्रोशे कर लेंगे उससे नेक्स्ट स्टिच में वन सिंगल क्रोशे करेंगे ये हमारा इंक्रीज का फर्स्ट स्टिच हुआ है अब हम लोग नेक्स्ट स्टिच में टू सिंगल क्रोशे करेंगे और उससे नेक्स्ट स्टिच में वन सिंगल क्रोशे मिड के जो थ्री स्टिचेज हैं हमारे वो सेम सिंगल क्रोशे के होंगे टू थ्री और फिर यहाँ पर हमारे जो यहाँ के सिक्स स्टिचेज़ हैं वो भी इंक्रीज के होंगे टू सिंगल क्रोशे वन सिंगल क्रोशे टू सिंगल क्रोशे वन सिंगल क्रोशे टू सिंगल क्रोशे वन सिंगल क्रोशे यहाँ पर मिड के थ्री स्टिचेज़ हमारे सिंगल क्रोशे के होंगे और लास्ट के टू स्टिचेज में भी हमारा इंक्रीज है फर्स्ट जो है स्टिच उसमें टू सिंगल क्रोशे करेंगे और लास्ट में वन सिंगल क्रोशे करके हम इसको ज्वाइन कर देंगे हमारी लास्ट रो है जो कि हम सिंपल सिंगल क्रोशे से करेंगे यहाँ पर हम इंक्रीज नहीं करेंगे सिंपल सिंगल क्रोशे से ये रो कंप्लीट कर लेंगे और हमारे फेस का जो वो एरिया है वो कंप्लीट हो जाएगा ये हमारा कंप्लीट हो गया है अब इसको हम लोग ऐसे अटैच कर लेंगे बैक साइड से आप इसको सी सकते हैं और आप लोग इसको ग्लू स्टिक से भी अटैच कर सकते हैं जो पार्ट हमारा ज्वाइनिंग का है वहाँ पर हम लोग रख कर तो इसको अटैच कर देंगे अब हम इसकी मेन बॉडी तो हमारी बन गई है अब हम इसकी एसेसरीज़ की तरफ जाएंगे और यहाँ पर हम लोग आ, सब जो हैं वो हमने जॉइन करके अटैच करके तो इसके साथ फिर वर्क करना है इसके हेयर्स पर भी टेल हेयर्स पर भी और अपर हॉर्न के हेयर्स पर भी पहले हम लोग इसके हॉर्न पर वर्क कर लेते हैं मिड में आप हॉर्न के लिए जो है वो स्टिच काउंट कर लेंगे और मिड मिड वाले जो थ्री स्टिचेज़ हैं उन पर हम वर्क करेंगे हम लोग सिंपल यहां पर सिंगल क्रोशे करेंगे थ्री स्टिचेस में वन टू थ्री चेन वन करके टर्न करेंगे और अब हम लोग टू स्टिचेस को टुगेदर करेंगे इस साइड से भी और फिर यहाँ पे मिड वाले स्टिच में दोबारा हुक इंटर करेंगे और इसको और लास्ट वाले स्टिच को टुगेदर करेंगे तो अब हमारे पास मिड में टू स्टिचेस बचते हैं चेन वन करके हम टर्न करेंगे और फिर इन टू स्टिचेस को अब हम टुगेदर वर्क करेंगे यहाँ पर चेन वन करूँगी मैं और टर्न करके फिर दोबारा इस स्टिच में एक स्टिच में वर्क करके तो हम लोग इसको यान को कट कर देंगे और हमारे पास ये यूनिकॉर्न का बड़ा ही अच्छा सा ट्रायंगल सा रेडी हो जाएगा इसके हॉर्न का इसको पीछे सिक्योर करके कट कर लेंगे अब हम वर्क करेंगे पोनीटेल के ऊपर और यहाँ पर हम लोग जो हमने डिफरेंट शेड्स के थ्रेड्स हैं उनसे वर्क करना है आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कर सकते हैं कौन से कलर से स्टार्ट करना चाहते हैं और कौन से कलर से आपने एंड करना है मैं यहाँ पर स्टार्ट ले रही हूँ फिरोज़ी कलर से टेल के पॉइंट से हम लोग स्टार्ट करेंगे जहाँ से हमने इंक्रीज किया था हुक को इंटर करेंगे और हमने जिस कलर से वर्क करना है स्लिप नोट लगा कर उस कलर को जो है अटैच करेंगे सिंपल है ये बहुत ही अटैच करने के बाद हम लोग चेंज कर लेंगे वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन थर्टीन फोर्टीन फिफ्टीन सिक्सटीन सेवेंटीन एटीन ट्वेंटी आप पर डिपेंड करता है कि आप कितनी लंबी इसको रखना चाहते हैं तो आप चेंज ज़्यादा करेंगे अगर आप शॉर्ट रखना चाहते हैं तो चेंज कम करेंगे सिंपल है आपको सिंपल सिंगल क्रोशे वर्क करते हुए बैक जाना है और बैकवर्ड इस चेंज में वर्क करते हुए जब सिंगल क्रोशे में आप जाएंगे ऑटोमेटिकली ये कर्व हो जाएगी और इसके रिंग्स जो हैं वो बन जाएंगे कर्ल्स बन जाएंगे ये कंप्लीट करके हम लोग फर्स्ट चेन के एंड वाले पार्ट तक आ जाएंगे ये देखिए हमने कंप्लीट किया है ऑटोमेटिकली ये कर्व हो जाती हैं और यहाँ पर आकर नेक्स्ट स्टिच में बिल्कुल इसके पास वाला जो नेक्स्ट स्टिच है वहाँ पर आपने इसको जॉइन कर लेना है और ज्वाइन करने के बाद स्लिप स्टिच करना है स्लिप स्टिच करने के बाद हम लोग यहाँ पर इस यान को कट कर देंगे कट करके दोनों टेल्स जो हमारे पास हैं स्टार्टिंग चेन की और फिनिशिंग की इन दोनों को हम सिक्योर करेंगे और ग्लू स्टिक से वो कर लेंगे अब यहाँ पर आपने तमाम कलर्स को जो है वो इस तरह राउंड में लगाना है जो जो कलर आप करना चाह रहे हैं वहाँ पर आपने वो लगा के तो आपने ये फोर टू फाइव सिक्स जितने कलर्स आपने लगाने हैं जितने हेयर्स आपने बनाने हैं उतने बनाने हैं पोनी टेल की लेकिन इस एरिया से ऊपर नहीं जाने देना यहाँ तक आपके अटैच हो जाएं क्योंकि ये बॉडी एरिया है टेल का एरिया सिर्फ ये है तो हम हेयर्स जो हैं वो इतने से एरिया में ही लगाएंगे उसके बाद ये इसी तरह सब कलर से कंप्लीट कर लेंगे सेम प्रोसीजर है अब हम लोग यहाँ पर हेयर्स पर वर्क करते हैं कि हमने हेयर्स कैसे बनाने हैं यहाँ पर हम लोग जहाँ से हम लोग हेयर फेस का माउथ ख़त्म हो रहा है वहाँ से हुक को इंटर करेंगे और इंटर करने के बाद यहाँ पर हम लोग फाइव चेन्स कर लेंगे वन टू थ्री फोर फाइव और सेकंड चेन में मैं यहाँ पर हम लोग सेकेंड और थर्ड चेन दोनों में डालेंगे और ये टुगेदर करेंगे फर्स्ट स्टिच जो है वो हमारा सेकेंड और थर्ड चेन में जाएगा और ये स्टिच टुगेदर हो जाएगा आगे सिंगल क्रोशे हम सेम करेंगे और नेक्स्ट स्टिच में मैं इसको स्लिप स्टिच करके ज्वाइन कर दूंगी तो हमारे पास इसके हेयर्स जो हैं वो ऐसे कर्व वाले बनेंगे ये सब हम बना लेंगे अगर आप इनको थोड़ा लंबा रखना चाह रहे हैं तो आप सिक्स से सेवन स्टिचेस में वर्क करके कर सकते हैं और स्टार्टिंग वाले टू चेन्स टू चेन्स में हम टुगेदर करेंगे तो ये ऐसे कर्व करके ऊपर की तरफ जैसे उड़ रहे होते हैं वैसे इसके बाल बन जाएंगे तकरीबन हम लोग ये चार कलर से इसको कंप्लीट कर लेंगे हम लोग यूनिकॉर्न का फ्लावर बनाएंगे और फ्लावर बनाने के लिए स्लिप नॉट लगा के यहाँ पर मैं चेन करके फर्स्ट चेन जो है उसमें स्लिप स्टिच करूँगी और इस सर्कल के मिड में वर्क करूँगी सिंगल क्रोशे करके चेन करेंगे वन टू थ्री फोर फाइव और फिर मिड में सिंगल क्रोशे या स्लिप स्टिच फिर से मैं करूँगी फाइव चेन्स। वन टू थ्री फोर फाइव और मेड में स्लिप स्टिच तो ये हम लोग फाइव टू सिक्स टाइम्स करेंगे जितनी पेटल्स आपने बनानी है ये हमारा फ्लावर जो है वो रेडी हो गया है अब हम लोग इसके सेंटर में आप कोई भी बीट भी लगा सकते हैं और ऐसे क्रोशे का बना हुआ सर्कल सभी लगा सकते हैं और ये सर्कल बिल्कुल सिंपल है हम लोग मैजिक सर्कल ले लेंगे और मैजिक सर्कल में यहाँ पर फाइव टू तो सिक्स सिंगल क्रोशे करेंगे टू थ्री फोर फाइव इसको मैं फर्स्ट सिंगल क्रोशे में से स्लिप स्टिच करूँगी ज्वाइन कर दूँगी और ये हमारे पास एक सर्कल रेडी हो जाएगा इसको कट कर देंगे और बैक साइड पे इन थ्रेड्स को करके ऐसे हम लोग सेंटर से इस पॉइंट को निकाल लेंगे ठीक है और इनको गिरा लगा के तो अब हम लोग इसको ग्लू स्टिक से इसके ऊपर जोड़ देंगे तो हमारे पास ये छोटा सा मिनी फ्लावर रेडी हो जाएगा जो कि हम अपने यूनिकॉर्न के यहाँ लगाएंगे इसको अभी कंप्लीट करेंगे सारी टेल्स बना के हेयर्स बना के और ऊपर के हेयर सिंपल मैंने ग्लू स्टिक से अटैच किए हैं जो आपके पास थ्रेड्स बच जाते हैं ऐसे उन थ्रेड्स को यहाँ पर ऐसे अटैच कर देना है थोड़ा सा लंबा होना चाहिए आपके थ्रेड जो आप पीछे से ऐसे करके अटैच कर सकेंगे आगे से आपको वो थोड़ा फ्लाई करते हुए महसूस हो ऐसे उठे हों और पीछे से और यहाँ से सही से अटैच हो मैंने चारों कलर्स को गिरा लगा के फिर इधर ग्लू स्टिक से जोड़ा है और जोड़ के आगे वाले उनको थोड़ा फ्रीली छोड़ दिया है इतना हम उसको कंप्लीट कर लेंगे और कंप्लीट करके फिर लास्ट में वर्क होगा हमारा आईज़ पर अगर आप पर आपके पास आई बटन्स हैं तो आप वो लगाएंगे और अगर नहीं है तो यहाँ पर हम लोग यान की आईज़ बनाएंगे हमारा यूनिकॉर्न जो है वो इतना रेडी हो चुका है यहाँ पर मैंने इसमें शॉकिंग पिंक कलर चेंज किया है यहाँ पर बेबी पिंक ही यूज़ किया था और मैंने फ़्लावर कलर चेंज कर दिया है आपको बता दिया कि आपने कैसे फ़्लावर बनाना है अब यहाँ पर मैं आपको इसकी आइज़ और नोज़ और लेग्स को सेपरेट करने का बता रही हूँ और यहाँ पर जो मैंने ऊपर हेयर्स अटैच किए थे वो आपको बताना है मैंने यहाँ पे चारों कलर्स जो हैं वो लेके उनको ऐसे गिरा बांध लिया है और गिरा बांधने के बाद ये जो गिरा है इसको हम इसके हॉर्न के पीछे से अटैच कर देंगे और यहाँ पर हेयर्स को ऐसे करेंगे गिरा हमारी पीछे बैक साइड पे हो जाएगी तो इसको करने के लिए मैंने पीछे से सारे धागे जो हैं उनको अच्छे से बाइंड करके और फिर मैंने इनको सिक्योर कर दिया है यूहू ग्लू की मदद से ये आप यूज़ कर सकते हैं और इससे मैंने हर गिरा के ऊपर लगाकर हर गिरा को अच्छे से सही से, से सिक्योर कर दिया अब इसको बाइंड कर लिया अच्छे से आपने और आपने ये भी लगा लिया यहाँ पर अब मैं इन हेयर्स को लगाऊंगी और इसको ऐसे अटैच करके आगे भी यू थोड़ी थोड़ी लगा कर उसके ऊपर चिपका दूँगी अच्छे से और यहाँ से इनको कट कर दूँगी थोड़े से हेयर्स को जितने लंबे रखने हैं उतने रखने के बाद अभी हम लोग इसकी लेग्स को सेपरेट करते हैं फ्रंट में आपने मिड के जो स्टिच हैं वहाँ पर वर्क करना है और इनको सेपरेट कर लेना है ऐसे टू टू थ्री टाइम्स आप करेंगे तो ये आपकी लेग जो है वो हो जाएंगी सेपरेट बीच में थोड़ा सा गैप आ गया है इसको अब हम लोग यहाँ से मैं इंटर करूँगी और एक बार इसके पास से गुजार दूंगी और ऐसे हम लोग ये करके अच्छे से सेपरेट कर लेंगे इनको लेग्स का करने के बाद मैं थ्रेड को सीधा पीछे से बैक साइड से ऊपर लेके जा रही हूँ और मैं इसके नोस्ट्रिल्स जो हैं उन पर वर्क करने लगी हूँ नोस्ट्रिल्स में हमने मिड में इंटर कर दिया और उसको इस तरह इधर से राइट साइड पे और उस साइड से लेफ़्ट साइड पर हमने थ्रेड को टर्न कर देना ये हमारे नोस्ट्रेल्स बन गए यूनिकॉर्न के और यहाँ पर आप वूल से जो है वो इसकी आईज़ बनाएंगे अगर आपके पास एमी ग्रूमी आईज हैं टॉय आईज हैं तो आप वो लगा सकते हैं अदरवाइज आप वूल से बनाएंगे यार नीडल ले, ले लेंगे हम लोग अब हम इसकी आइज पर वर्क करेंगे और आईज़ जहाँ पे आप बनाना चाह रहे हैं वहाँ पर वूल थ्रेड को इंटर करके जितनी बड़ी बनाना चाह रहे हैं अपनी इसको राउंड में टर्न करेंगे और ये हमारे पास आइस बन जाएगी ऐसे ही दूसरी साइड पे भी बना लेंगे अब हम लोग इसकी आई बना लेंगे आइस के गिर्द थ्रेड को मैंने कट नहीं किया था नॉस्ट्रिल्स बनाने के बाद थ्रेड वैसे ही रहने दिया था और वहीं से हम लोग इंटर कर लेंगे आइज़ में और एक हम ऊपर की तरफ हमने बनानी है एक हम थोड़ी लंबी बनाएंगे आई और एक छोटी बनाएंगे बिल्कुल उसी पॉइंट से निकालेंगे जहाँ से हमने लंबी वाली बनाई थी और थोड़ा सा उसे छोटा रख के उसको दूसरी तरफ को यहाँ पे बीस ही एक बन जाएगी तो ऐसे हम लोग दूसरी आई पे भी बना लेंगे जी ये हमारा प्यारा सा ये यूनिकॉर्न रेडी है इसके ऊपर वाले हेयर्स भी मैंने अटैच कर दिए हैं उनको थोड़ा सा बड़ा रखा है आइज़ जो है वो अगर हम लोग ये वाली आइज़ लगाएंगे तो ये परफेक्ट लुक आती है और इसके अंदर शाइन जो है उससे भी हमारा मोटिव जो है वो बहुत अच्छा लगता है और इसकी नीटनेस ज़्यादा होती है बिल्कुल राउंड में बन जाता है और अगर हम लोग ये बनाएंगे तो यहाँ पर आप लोग वाइटर के थ्रू इसमें शाइनिंग दे सकते हैं और थोड़ा सा शेप का होता है में चेंजिंग तो लेकिन प्यारा ये भी बहुत लग रहा है और ये दोनों यूनिकॉर्न रेडी हैं होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी चैनल को सब्सक्राइब करें लाइक करें और शेयर करें और रिंग बेल पर जरूर क्लिक कर दें ताकि आपको आने वाली वीडियोज के बारे में पता चल सके एक थोड़ा सा रह गया यहाँ पे पॉइंट जैसे हमने यहाँ पे क्रिएट किया है बिल्कुल वैसे ही हम लोग इस साइड पर करेंगे सेंटर से थोड़ा सा लेकर ऊपर तक जाएंगे और यहाँ पर एक लाइन लगाएंगे ताकि हमारे ये बैक लेग का इफ़ेक्ट दे सके इसको भी कंप्लीट कर लेंगे जी अब ये फुली रेडी है और कंप्लीट हो गया है बस ये थोड़ा सा रह गया था जिसका मैंने अब आपको बता दिया आपको ये बहुत अच्छा लगा होगा और आप लोग इसको बहुत से प्रोजेक्ट्स में यूज़ कर सकते हैं थैंक यू